होगा, ये हमारी लड़ाई होनी चाहिए। मोदी साहब क्या बोले, लोग क्या बोले कि एक सुल्तान की जयंती मना रहे तो और नहीं मना रहे। मोदी जी, वो जो सुल्तान है उसका नाम टीपू सुल्तान है, और वो जो टीपू सुल्तान है उसको जयंती की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सुबह कयामत तक टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखेगा। वो हमारा शेर था और खबर में भी हमारा शेर सो रहा है। कुमारा स्वामी क्या बोले कि जयंती भी मनाएंगे, और कुमारा स्वामी ने ऐलान किया कि मैं एक टीपू सेंटर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि गरीब बच्चे पढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े, जयंती भी मनाएंगे और बहादुर बनेंगे। ये काम करना है। इन्हों खाली जयंती मनाओ खुश हो जाओ लड्डू खाके, उन्हों बोले नहीं मनाना, नहीं, जयंती भी मनाना और तालीम भी हासिल करना। और याद रखो अंबेडकर ने सही कहा था कि तालीम हासिल करो। हमको तालीम हासिल करना, हमको स्कूल की जरूरत है, हमको इज्जत की जरूरत है, हमको अपना हक हासिल करना है। मेरे भाई, ऐसी पार्टी को कामयाब करना है जो हमारे मसाइल कल करवा सकेगी। अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे नहीं उन्हों आए तो क्या होता, इन्हों आए तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो मोदी से खेलना इलेक्शन में। मैं तो बोलेंगे फिर भड़काओ भाषण दे, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट फाइनल होता ना, ये सेमीफाइनल है। और रीजनल पार्टीज ही बीजेपी को हराएंगी, इनके पास नहीं है, कांग्रेस के पास। राहुल गांधी बोल दिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनने तैयार हूं, क्या कुर्सी आपकी है, खानदान की कुर्सी है क्या वो, मेरे को भी इलेक्शन लड़ना पड़ता, मुझे भी मेहनत करना पड़ता, मगर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ राइट है मैं इसके खिलाफ हूं, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ राइट विंग हिंदुत्व है मैं इसके खिलाफ हूं। ये दोनों पार्टीज यही पॉलिटिक्स कर रही है, मैं तैयार हूं। अरे आप तैयार है तो क्या धर्म रखना कुर्सी को। गुजरात में मैं नहीं गया, मैं इलेक्शन नहीं हारा गुजरात में। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को जनू धारू बना दिए, मेरे से आके मीडिया के लोग पूछे इस पे क्या बोलेंगे, मैं बोला भाई मैं तो आता ही नहीं जनू धारू में, मैं तो वरना में